बाबा मेरी मदद कीजिए। देवयानी दोबारा मेरी जिंदगी में आ गई है और अब वो मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रही है। मैं सुहागन होते हुए भी सुहागन नहीं हूं। आप ही बताइए बाबा मैं क्या करूं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटी, तुम्हारी सभी परेशानियों की वजह है कि तुम सुहागन नहीं बल्कि अर्ध सुहागन हो। मैं जानता हूं बेटी, तुम्हें मेरी बात अजीब लग रही है, लेकिन सच तो यह है कि शादी के सातवां फेरे के वक्त तुम्हारे शरीर में घुस के देवयानी ने तुम्हारे मंगलसूत्र को कमजोर बना दिया। अब क्या होगा बाबा? तुम्हें पवित्र अग्नि के फेरे लेकर अपने मंगल से की शक्ति को बढ़ाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? देवयानी 24 घंटे मेरे साए की तरह मेरे पीछे रहती है। दोपहर में एक घंटे के लिए वो बाहर जाती और इसीलिए आज मैं आपके पास आ पाई हूँ। मैं जानता हूँ बेटी, हमें देवयानी की ताकत को कम करनी है और ये तभी हो सकता है जब किसी जले हुए शरीर की राख को पवित्र मंत्रों से फूंका जाए। लेकिन हम राख कहां से लाएंगे? बेटी, इसके लिए तुम्हें देवयानी पर कड़ी नजर रखनी होगी, वही तुम्हें राख तक ले जाएगी। मुझे पता है कि ये काम तुम ही कर सकती हो। करूंगी बाबा, जरूर करूंगी। अपने मंगल सूत्र के सम्मान की रक्षा के लिए मैं देवयानी की राख हासिल जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। भैया, तूने और तेरी बहू ने मिलकर मुझे एक बार फिर बेवकूफ बनाया। मैं पूजा को नहीं छोड़ूंगी। तकलीफ हो रही है ना तुझे? सोचती हूँ तुझे इस तकलीफ से छुटकारा दे ही डालूं, है बुढ़िया? छुटकारा चाहिए तुझे? फिर तुझे मेरी एक बात माननी होगी, तुझे मेरी मदद करनी होगी। मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यक्षिणी सिद्धि साधना करनी है। उसके लिए मुझे मुझे एक शरीर की जरूरत है, एक मुर्गा, 10 हाथ लंबी रस्सी और एक शराब की बोतल। आज रात खंडर में लेकर आएगी तू। बुढ़िया, अगर तू मेरी मदद करेगी ना तो मैं तेरी आवाज अभी तुझे लौटा दूंगी। बोल बोल बोल, हाँ या ना बोल। ये देख, ये देख। देख, मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब तू अपना वादा निभाना। आज रात ठीक 12 बजे तुझे मेरे पास आना होगा। देवयानी कहाँ है? मुझे नहीं पता, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, तू भूल जाओ।
है माता रानी, मुझे नहीं पता ये भारणी मुझसे क्या क्या करवाना चाहती है, पर मेरी मदद कर माँ, मेरी मदद कर माता रानी। दीन दयाल बिरध सम भारी, हर गुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरध सम भारी, हर गुनाथ मम संकट भारी। पीछे आप बोल सकती हैं? हाँ बेटा, भारणी ने मेरी आवाज वापस कर दी है। लेकिन उसने ऐसा कैसे? बेटा, भारणी को यक्षिणी सिद्धि साधना के लिए मेरी देह की जरूरत थी, और उसने इसी शर्त में मेरी आवाज वापस की है कि मैं उसकी मदद करूं। और आपके कहने का यह मतलब है कि आप उसकी मदद करेंगी? बेटा तू क्यों फिक्र करती है, उसकी मदद करने से पहले हम बाबा के पास जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। अच्छा ये बता, तू बाबा से मिली थी ना, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि मैं सुहागन नहीं बल्कि अर्ध सुहागन हूं, क्योंकि विक्रम के साथ सातवां फेरा मैंने नहीं बल्कि देवयानी ने लिया था। इसीलिए बाबा ने कहा है कि विक्रम और मुझे फेरे दोबारा लेने होंगे। हाय रब्बा, ये देवयानी होने कैसे देगी? होने देगी बीजी, जरूर होने देगी। बीजी बाबा ने कहा है अगर हमें देवयानी की अस्थियां मिलती है ना, तो हम उसकी शैतानी ताकतों को खत्म कर सकते हैं। पर बेटा उसकी अस्थियां मिलेंगी कैसे? उसकी अस्थियां ढूंढने के लिए हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। और बीजी इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि बीजी देवयानी जब भी मुझ पर कब्जा कर लेती है मुझे अगले दिन याद ही नहीं रहता कि आखिर हुआ क्या। जब तक वो मुझे याद न दिलवाना चाहे तब तक। इसीलिए बीजी मैं चाहती हूँ मैं समझ गई पुत्र कि मुझे क्या करना है। तू देवयानी को संभाल, मैं उस भारणी को संभालती हूँ। अब कैसा है सरदर्द? ठीक। तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने तो बहुत खाना खाया, मुझे बहुत मजा आया। तुम्हें पता है मॉम ने मेरा फेवरेट सरसों का साग बनाया था। यू मिस समथिंग। तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई? पूजा अभी नहीं, चलो वॉक के लिए चलते हैं। विक्रम पूजा, let's go for a walk. बहुत मजा आएगा।
मैं बहुत थक गई हूँ। बस तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ। पूजा, ये कैसी जिद है तुम्हारी? तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा वक्त एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की फीलिंग्स को जानने में बिताना चाहिए? शादी का मतलब सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं होता है पूजा। विक्रम, मैंने तुमसे कहा ना, मेरा वॉक पे जाने का मूड नहीं है, बस। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, ओके? देवजानी की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा है, मुझे उससे बताना ही होगा, वरना वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती। नहीं, मुझे देवजानी को बुलाना ही होगा। ओ चामुंडे चंडा निकाय नमः। मुझे बाबा बुला रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। प्रणाम बाबा, आपने याद किया। जय चामुंडे चंडा निकाय नमः। आधे आधे तुम्हें आने वाली विपत्ति से आगाह करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। पूजा किसी और के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। क्या करने वाली है बाबा? अर्ध सुहागिन से सुहागिन बनने के लिए वो विक्रम से दोबारा शादी करवा रही है। क्या? दोबारा शादी? हाँ देवजानी, वो दोनों कुछ ही दिनों में भैरवी मंदिर में दोबारा शादी करवा रही है। और अगर ऐसा हो गया तो तुम विक्रम को कभी हाथ नहीं लगाओगे, इसीलिए उन दोनों को हर हाल में अमावस की रात करना होगा, क्योंकि अमावस की रात के बाद तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगे, इतनी शक्तिशाली हो जाओगे, कोई भी विक्रम को तुमसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं चामुंडा नमः। अनर्थ और अनर्थ, उन्हें सब पता चल गया,
अब वो पूजा की शादी रोकने के लिए जरूर किसी न किसी छल का सहारा ले, और मुझे उन शैतान आत्माओं को रोकने के लिए कोई न कोई प्रबंध करना होगा। कितने बेवकूफ है वो बुढ़िया। तुमने एक बार कहा और उसने मान लिया। इतना भी नहीं जानती कि तुम उससे निमंत्रण चाहती हो। वो चालाक जरूर है पर मुझसे ज्यादा नहीं। एक बार वो मुझे निमंत्रण दे और मैं उसके शरीर में प्रवेश करूं, फिर देखेगा हम पूजा के साथ साथ उस बुढ़िया पर भी कब्जा कर लेंगे और उसे भी अपने इशारों पर नचाएंगे। और वो बुढ़ा गुरुदेव, वो हमें नहीं जानता। पूजा को बचाने की उसकी हर कोशिश हम नाकामयाब करेंगे। तुम हंस क्यों रही हो भारिनी? आज इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे किसी के शरीर में प्रवेश करने को मिल रहा है। हम जैसी आत्माओं की यही तो मजबूरी है कि बिना निमंत्रण के हम किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतने इंतजार के बाद आज निमंत्रण मिला है, इसीलिए मैं खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। उन दोनों पर नजर रखना। ये उस भारणी की कोई नई चाल है, क्योंकि किसी भी भटकती आत्मा को यक्षिणी सिद्धि साधना करने की आज्ञा नहीं है। ये साधना सिर्फ तांत्रिक ही कर सकता। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन बाबा आप क्या करें, अगर बीजी भारणी की मदद करने से इनकार करती है तो भारणी बीजी को नुकसान तक पहुंचा सकती है। बेटी तुम फिक्र मत करो, इसका उपाय है। बस मैं जो कहता हूं वो तुम लोग करो। आज की रात अग्नि परीक्षा की रात है। मैं समझ गई बाबा कि मुझे अब क्या करना है। अब तुम लोग जाओ, लेकिन ठीक 6 बजे शाम तक कोई ना कोई बहाना करके चली आना, क्योंकि आज रात ही देवयानी की अस्थियां हमें ढूंढनी होगी। मालकिन, मुझे यक्षिणी सिद्धि साधना करनी है, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जाओ, मैं यही हूं। गुड इवनिंग बीजी। हाय पूजा। आ गया पुत्र? जी बीजी, आप अपनी लाडली बहू से पूछिए अगर उनके पास थोड़ा सा वक्त है तो मेरे लिए चाय बना दे प्लीज। ठीक है, तू जाके फ्रेश हो जा, वो चाय भी बना देगी। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा बीजी। पूजा रानी, तुम माता रानी की पूजा करो और मैं पति परमेश्वर की पूजा करती हूँ। बीजी, देवयानी विक्रम के पीछे गई। तो बेटा जल्दी कर ले, वरना आश्रम पहुंचने में देर हो जाएगी। चल बेटा। Dinter, 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 d
बेटी, मैंने तुम्हें माँ दुर्गा, श्री गणेश जी, माँ भद्रकाली के मंत्रों से अभिमंत्री सुरक्षा कवच पहना दिया। अगले 12 घंटे तक ये कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। अब देवयानी तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, इसीलिए किसी भय के, किसी डर के बिना तुम अपना काम करो। लेकिन याद रहे कि तुमसे कोई चूक न हो, ये कवच मैं तुम्हें बार बार नहीं पहना सकता। जाओ बेटी, मां भद्रकाली तुम्हारी रक्षा करेगी। ओम गणपते नमः। बस विक्रम, कुछ पल का इंतजार और। बेचैन लग रही हो पूजा, मेरा इंतजार था। तुम जितनी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझे छू तक नहीं सकती, क्योंकि बाबा ने मुझे दुर्गा माँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया पूजा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गरजने वाले बादल बरसते नहीं देवयानी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लड़ाई तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी पूजा। तुमसे कहा ना पूजा, ये लड़ाई तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। बीजी, आशीर्वाद दीजिए बीजी कि मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिले। जीत रहो बेटा, खुश रहो, माता रानी तुम्हें यश दे। हे माता रानी, मेरी बच्ची के सारे दुख दूर करना। पूजा, ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। Yeah!
आ गई तू, मेरा सामान लेकर आई। बाकी की पूजा मैं अंदर कुएं में करूंगी। और हाँ, यहाँ बाहर खड़े होकर तू एक मंत्र का जाप करती रहना। बोल, ओम यक्षिणी सिद्धि नमो नमः। बोल, ओम यक्षिणी सिद्धि नमः नमो नमः नमो नमः। ओम यक्षिणी सिद्धि नमो नमः। ओम यक्षिणी नमो नमः। और हाँ, अंदर से जो भी सवाल मैं पूछूं, उसका जवाब हाँ में देना। समझ गई तू? ओम यक्षिणी सिद्धि नमो नमः। ओम यक्षिणी सिद्धि नमो नमः। ओम जाओ पूजा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी पूजा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो देवयानी, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाबा ने मुझे मंत्रों का कवच पहनाया है जो हर हाल में मेरी रक्षा करेगा। पूजा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती देवयानी। जब तक मैं तुम्हारी अस्थियों पर पवित्र संस्कार करके तुम्हारी शैतानी ताकतों को खत्म नहीं करती ना, मैं नहीं रुकूंगी।
ये सब धारणी की चाल है। वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने का निमंत्रण चाहती है और तुम उसे निमंत्रण देना 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 फिर किसी दूसरे जीव से समझी। ओम नमो नमः। तैयार है तू? हाँ। मैं तेरे शरीर में प्रवेश करूं? हाँ। मैं आऊं? आऊं मैं? अरे मैं सिद्धि नमो नमः। भारणी जी, अब आपको बहुत सालों तक ऐसे ही रहना होगा। चलिए घर चलते हैं। अब मैं इस मंत्र से पूर्ण आहुति करूंगा। तुम अपनी आंखें इसी तरह से बंद रखना। हो सकता है तुम्हें अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई दे या कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे, फिर भी तुम अपनी आंखें बंद रखना। पूजा